हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं नो मोर मौका मौका सॉन्ग और मिलेगा ना मौका। नो मोर मौका मौका जो है आफ्टर द मैच जो पाकिस्तान जीती थी, ये गाना है कुछ शो में। मुझे पिक्चर दिखाई दे रही है तो कुछ शो है T20 वर्ल्ड कप का, उसमें पाकिस्तान में हुआ था। तो चलिए देखते हैं इन दोनों वीडियोज़ को कि इसमें क्या था बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। छक्का चौका कामरा से पहले ही, हाँ ये क्या साउंड था, होका होका अपनी ही परफॉर्मेंस पे हाय सर भी पीटोगे, जितनी भी शोखी थी तुम में हमने कम कर दी, देख लो तारीख भी हमने रकम कर दी। धड़कन धड़कन गाने का ये वो है रिदम टोन, धड़कन धड़कन अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं। शोर शराबा हल्ला गुल्ला काम नहीं आया, सारे मिलजुल कर दी तो जितवा नहीं पाए, भूखा दायका हो गया भीगा भूखा, छक्का चौका वो पड़ गया छक्का चौका। किस किस तरीके से जश्न मनाया है यार वहाँ पे, जज्बा हमें कह रहा है फतह की मुबारक घड़ी आ गई, ये भी सेम सॉन्ग है, वही धड़कन वाला। विकेट गिरने पर इंडिया के खिलाड़ी पवेलियन को इंडियन जाते गाने की टोन पर ही, ये हमारी घड़ी आखिरी आ गई है, चक्का चक्का जाएगा ना रोका रोका, चक्का चक्का चौका चौका, ये मैच से पहले वाला है गाना। मौका मौका मैच से पहले जो करते हो ये रंगबाजी, याद होता काश के तुमको भी वो माजी, जितना खेले हैं ज्यादा हम ही जीते हैं, मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। क्या हुआ जो वर्ल्ड कप में, अच्छा हाँ ओवरऑल मैचेस की बात कर रहे हैं इसमें ये, अब के लेकिन ओवरऑल जितना भी खेले। रोहित शर्मा कोई भी चल ना पाएंगे, पांड्या शामिल कोहली चला था भाई, शर्मिंदा कराएंगे, कोहली की बात ना करें, ले लो जिस जिस से मतलब भी प्रेडिक्शन था पहले का, एडवाइस है मिलने वाला आपको एक सरप्राइज अच्छा है, मानना पड़ेगा, कमेंट में बताओ चौका चौका
पर्सनैलिटी वाइज भी उसने अच्छा काम किया है। बैठ के टीवी पे बढ़ चढ़ बातें करते हो, घर बुलाते भी नहीं, आने से भी डरते हो, टीम आ जाए हमारे हाथ मरते हो, खेल के मैदान में साजिश भी करते हो, कब तक दोगे खुद का बिफोर एंड आफ्टर वाला नो मोर मौका मौका एंड मिलेगा ना मौका मौका जो था वो मैच से पहले वाला था गाना, ये कि ऐसा नहीं होगा कि कोहली शर्मा कोई ना चल पाएंगे और वगैरह वगैरह, तो इस तरह से लिरिक्स बनाए गए। मतलब इसके धड़कन वाला जो एक गाना है, धड़कन सॉन्ग सुनील शेट्टी की मूवी में था शायद, तो वो गाना मतलब इंडियन गाने को इंडियन टीम के मतलब इंडियन के खिलाफ लिरिक्स बनाकर तैयार किया गया गाना। गाना सही है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसमें डालने की कोशिश की गई हैं, जैसे कि मीडिया की बातें कि मैच से पहले इतनी इतनी बड़ी वो बातें मानना और वगैरह वगैरह, तो उन चीज़ों को इसमें डालने की कोशिश की गई है। एंड कुछ चीज़ें जैसा मैं बीच में बोल रहा था कि ऐसा कब किया मतलब हमने इंडिया में, तो होती हैं ये चीज़ें, मतलब पूरा मज़ा ले रहे थे। शो बनाया गया है स्पेशली इस चीज़ के लिए कि मज़ा लिया जाए, तो मूड बनाया एक गाना पहले गाकर जोश जगाया जब मैच शुरू हुआ या फिर मैच से पहले का गाना कि मौका नहीं मिलेगा, तो ये मैच से पहले की बात थी। मैच के बाद और ज़्यादा जोश और वो आ गया इसमें, होने के बाद जो था नो मोर मौका मौका कि मौका ना मिला, सबको आउट कर दिया वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में यही चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा इंडिया की खिंचाई करने की कोशिश की गई है मज़ाक में, मतलब सब लोग एंजॉय भी कर रहे थे, वहाँ पर प्लेयर्स भी बैठे थे भी एंजॉय कर रहे थे, पब्लिक भी एंजॉय कर रही थी झंडा लेकर। मतलब बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन मैंने देख लिया इसमें कि वहाँ पर क्या चल रहा था, वो भी मुझे देखने को मिला। एंड ओवरऑल सही था वीडियो, ये सीन हमारे इंडिया में भी हो सकता था अगर इंडिया मैच जीत जाता तो, और शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुल्ला होता। एंड लिरिक्स आई डोंट नो कब तैयार किए होंगे उन्होंने, फटाफट तैयार किए या फिर क्या पहले से तैयार कर रखे थे, पहले वाले गाने के तो कर रखे होंगे उन्होंने, मैच जीतने के बाद के जो लिरिक्स थे आई डोंट नो फौरन के फौरन बनाए या फिर क्या, उस टाइम एक्साइटमेंट में शायद लिरिक्स निकल रहे होंगे अंदर से, तो सही थे, कहीं कहीं मुझे बुरे भी लगे और जो सच है वो सच है। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।